कांग्रेसियों ने आधे दिन बंद करवाया हरदा शहर। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कांग्रेसियों ने आधे दिन बंद करवाया हरदा शहर। विगत दिनों भाजपा द्वारा षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर आर के दोगने के खिलाफ सिविल लाइन थाने में झूठी FIR दर्ज करवाई थी, जिसके विरोध में आज कांग्रेसियों द्वारा दोपहर 12 बजे तक हरदा नगर बंद करवाया गया। विधानसभा चुनाव पास आते ही राजनीति गर्माने लगी है। पार्टियां एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाने में लगी हुई हैं। विगत दिनों हरदा शहर में 70% लाओ काम कराओ के पोस्टर लगाए गए थे, जिसकी फोटो निकाल कर कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर आर के दोगने द्वारा अपनी फेसबुक वॉल पर मंत्री जी को जन्मदिन की बधाई दी गई थी, जिससे नाराज भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष शर्मा द्वारा सिविल लाइन थाने में पूर्व विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको लेकर दो दिन पूर्व कांग्रेस के द्वारा सिविल लाइन थाने का घेराव किया था। उनका आरोप था कि पुलिस ने कृषि मंत्री कमल पटेल के दबाव में मामला दर्ज करवाया है। कांग्रेस द्वारा पुलिस को चेतावनी दी थी कि एक दिन में उचित कार्रवाई करे, नहीं तो शहर बंद करवाया जाएगा, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं होने से नाराज कांग्रेसियों ने आज सुबह से दोपहर 12 बजे तक शहर को बंद रखा गया। आज जो कांग्रेस ने हरदा बंद कराया है, और हरदा के साथ साथ हमारी हरदा विधानसभा भी पूरी बंद है, खिड़कियाँ भी पूरा उसके साथ बंद है। पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से आए दिन जो शहर में घटनाएं घट रही हैं, उसको लेके कुछ हमारे साथी कार्यकर्ता पूर्व विधायक दोगने जी के साथ परसों रोज मंत्री जी के दबाव में एक झूठी FIR एक पोस्टर को लेके कराई गई, उसके विरोध में हमने आज पूरा हरदा बंद रखा है। और उसके साथ साथ हमें व्यापारियों का इतना सहयोग मिला है कि हम जब मार्केट में रात को घूम रहे थे तो व्यापारियों ने खुद ने खुस्सा उससे बोला, बोले भाई साहब हम आपके लिए 12 बजे क्या रात भर बंद कर सकते हैं, पूरा दिन बंद रख सकते हैं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उनका भरपूर हमको सहयोग मिल रहा है व्यापारी भाइयों का, इसके लिए उनका हम सबका धन्यवाद और आभार करते हैं कि व्यापारी भाइयों के लिए हम जो कुछ भी हमारी मदद आगे बनेगी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद, हम व्यापारियों को भाइयों के लिए हर चीज़ उपलब्ध कराएंगे। देखिए, आज आपने देखा है हरदा में पुलिस प्रशासन के द्वारा राजनीतिक दबाव में, कमल पटेल के दबाव में जबरदस्ती लोगों के साथ अपराध पंजीकृत करना। गांव-गांव आप देखोगे तो बहुत सारे अपराध फर्जी हुए हैं, हरदा में भी फर्जी अपराध हो रहे हैं। और आपने 3 दिन पहले देखा कि मेरे ऊपर भी एक फर्जी अपराध पंजीकृत कराया गया है भाजपा के नेताओं से, कमल पटेल के द्वारा। तो इसका विरोध करते हुए हमने बाजार वालों, सभी व्यापारी बंदियों से कहा था इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग, आप साथ देंगे क्या? कल रात को उनसे घूमे, उन्होंने समर्थन किया हमारा। आज देखिए, आज पूरा बाजार बंद है। तो इसके समर्थन में, जाति के समर्थन में, कमल पटेल की जाति, भाजपा की जाति के समर्थन में ये पूरा व्यापार बाजार सब बंद है। तो हमारा सभी को आभार भी है कि उन्होंने आज बंद रखकर हमें समर्थन दिया, और ये जाति जो हो रही है इसके विरुद्ध हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आगे आने वाले समय भी अगर कभी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, जिसमें जैसा उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस पर जाँच करके इसको खात्मा या खारिज करेंगे या जो भी करेंगे जाँच करेंगे, तो जाँच करके बताएँ, और नहीं तो उसके बाद फिर उग्र आंदोलन होगा। कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? अगर कांग्रेस का अगला कदम ही उग्र आंदोलन होगा, अगर कभी इस तरह से घटनाएं होती रही और जबरदस्ती या अपराध पंजीकृत होते गए, तो निश्चित है पुलिस के विरुद्ध भी आएंगे, प्रशासन के विरुद्ध भी आएंगे, और कमल पटेल के विरुद्ध भी खुला आंदोलन करेंगे। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।